हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक नेचुरल रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि हमारी स्किन पे कभी कभी डार्कनेस हो जाती है, एकदम से हमारी स्किन डार्क हो जाती है, डार्क हेड्स हो जाते हैं, उसी लिए मैं ये रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। और गैस क्या होता है कि हमारी स्किन पे पिंपल्स तो होते हैं, तो ये पिंपल्स क्या होते हैं, पिंपल्स तो रिमूव हो जाते हैं, उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये डार्क स्पॉट छोड़ जाते हैं, उसकी वजह से हमारा पूरा चेहरा खराब दिखता है और अच्छा नहीं दिखता है दिखने में भी। गैस मेरे साथ क्या हुआ था, मैं आपके साथ शेयर कर दी हूँ। जो मेरे ये लिप्स के नीचे यहाँ से यहाँ तक पूरा ये पार्ट है ना, वो डार्क हो गया था, और लिप्स की ये साइड, दोनों साइड है, वो भी डार्क हो गई थी। तब मैंने ये रेमेडी यूज़ की थी, तो मैं आपके साथ इसीलिए शेयर करना चाहती हूँ। और गैस उसकी वजह से क्या होता था, ये पूरा ब्लैक ब्लैक दिखता था यहाँ से यहाँ तक, और ये तो ये दिखने में बहुत अजीब सा लगता था। तब मैंने ये रेमेडी यूज़ की थी, तो चलिए मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी आज। तो गाइज ये रेमेडी आपको इन सारी स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा देगी, और ये रेमेडी को यूज़ करने के बाद गाइज आपकी स्किन नेचुरली ग्लोई लगेगी और आपकी स्किन में एकदम से फेयरनेस आ जाएगी। तो गाइज चलिए, ये बनाना बहुत इजी है और ये हमें घर पर ही अवेलेबल सारी चीज़ें होंगी, तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये मास्क बनाने के लिए हमें लेना है एक बाउल में हाफ स्पून ऑफ राइस फ्लोर, हाफ स्पून ऑफ दही और 1 स्पून ऑफ टोमेटो जूस लेना है हमें, और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, और ये बनाना बहुत इजी है गाइज। तो गाइज हमारा इजी फेस पैक बनकर तैयार हो गया है, और अब हम अपनी स्किन पर अप्लाई कर लेते हैं। तो गाइज इसको कैसे लगाना है ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने फेस पर अच्छी तरीके से अपने पूरे फेस में ये मास्क को अप्लाई कर देना है। आप एक बार अच्छे से पूरे फेस पर मास्क को अप्लाई कर दे, उसके बाद आपको क्या करना है, 2 से 3 मिनट तक अपने दोनों हाथों से जेंटली रब करना है, और मतलब स्क्रब करनी है, हल्के हाथों से करना है गाइज, ज़्यादा वजन दे के नहीं करना है। उससे क्या होगा गाइज, आपकी स्किन पर जो भी डार्क हेड्स होंगे, वाइट हेड होंगे, डेड स्किन होगी, वो हट जाएगी। और गाइज स्क्रबिंग के बाद आपको 30 मिनट्स तक ये मास्क आपकी स्किन पर रखना है। 30 मिनट्स के बाद आपको अपना फेस वॉश कर लेना है, नॉर्मल पानी से भी आप वॉश कर सकते हैं और फेस वॉश से भी आप वॉश कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि आप मतलब फेस वॉश से ही वॉश करें, नॉर्मल पानी से भी वॉश कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने अप्लाई कर लिया है, और अब मैं धीरे धीरे से जेंटली रबिंग कर रही हूँ गाइज। तो हल्के हाथों से आपको रबिंग करनी है, तो ये एक स्क्रबिंग का भी आपको काम देगा, जो आपको बाहर महंगे महंगे प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो आपको कराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स भी करवाते हैं, तो ये आपको अफोर्डेबल ट्रीटमेंट है जो आप घर पर कर सकते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स है, तो उसके लिए आपको कोई ऐसी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट या एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट लेने की नीड नहीं है गाइज। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मास्क अप्लाई कर लिया है, और अब 30 मिनट्स में अपने मास्क को रखूंगी अपने फेस पर, और उसके बाद मैं नॉर्मल पानी से अपना फेस वॉश कर लूँगी। तो गाइज मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, और ये देखिए गाइज मेरी स्किन पे एकदम से डार्क स्पॉट जो थे वो भी निकल गए हैं। और गाइज ये रेमेडी में आपको नेचुरल प्रोडक्ट्स ही चाहिए, और ये रेमेडी बहुत इजी है, क्योंकि उसमें राइस फ्लोर है, तो राइस फ्लोर आप स्टोर करके 1 महीने के लिए अपने फ्रिज में रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दही तो ऑब्वियसली हमारे सब लोगों के घर में होती है, और टमाटर है, बस ये 3 इंग्रीडियंट्स की ज़रूरत है, ज़्यादा कुछ चीज़ें की आपको ज़रूरत नहीं है गाइज। तो ये देखिए गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज।